वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अमरकंटक और ये पहुंच गए हैं। साइड में देखिए कितने सारे बंदर हैं। यहाँ मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ था, देख सकते हैं मेरी सिस्टर्स हैं, पूरी फैमिली है। यहाँ का व्यू कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ, एक तो ये व्यू पॉइंट है, फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं झरना है और उसके बाद नर्मदा टेम्पल जाएंगे। तो अभी तो हम लोग फिलहाल अमरकंटक में हैं। फाइनली पहुंच गए हैं। यहाँ पूरे राइट साइड पर रेलिंग लगे हुए हैं ताकि कोई गिर ना जाए इस साइड पे। और ये पूरे पहाड़ी इलाका है गाइस, ऊपर पेड़ पौधे से घिरा हुआ है। यहाँ जस्ट सनराइज हुआ था और व्यू देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। नीचे पूरे जंगली जंगल है और ऊपर से ये हल्का फुल्का जो फॉग दिख रहा है। अभी टाइम हो रहा था वही करीब 8:30 के करीब, हम थोड़े लेट हो गए थे और ना भी प्यारा नज़ारा दिखता हमको। ये साइड से एक वाटरफॉल था, ये देखिए कितना हाइट पे हम लोग, नीचे देखिए कितना प्यारा मतलब। तो इसी के लिए ही लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, हम तो को इतनी प्यारा व्यू है। और यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं देख सकते हो। और ये जो बहुत छोटा सा वाटरफॉल बन रहा है और साइड पे भी बन रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ सिर्फ जंगल और पहाड़ी। सूरज को भी देखिएगा कितना प्यारा दिख रहा है ऑरेंज कलर पे। कुछ लोगों ने गंदगी मचा रखी है, नदी का एक खाता है जिसमें कोई गंदगी फैलाते रहते हैं। ये पार्क जैसा बनाया गया है, यहाँ पर ऊपर भी आ सकते हो आप लोग घूम चाहे तो। और उसके बाद है ये कोई ऋषि मुनि है, उनका जगह है, उनका नाम तो नहीं पता बट काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। ये भी उनके फेस पे है, जैसे कुछ लगा हुआ है, ये कुछ लगाया गया है। इनका टेंपल जैसे बना दिए गए ये शिवलिंग के साइड पे। तो उसके बाद हमने एक वाटरफॉल विजिट करने के लिए गए थे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी प्यारा नज़ारा था। ये है इसका फ्रंट व्यू, बड़ा वाटरफॉल था बट हम ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ कुछ लोग नहा रहे थे, तो मुझे ऐसा ही नहीं लगा कि देख तो दूर से ही आपको दिखा देते हैं। और ये भी पूरा जंगली इलाका है। हम लोग कहते हैं नवंबर के मंथ में तो पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, पानी की बुछारी यहाँ तक आ रही है हमारे ऊपर। वो दूर से बहते हुए यहाँ तक, यहाँ हमने हाथ में धोया, उसके बाद ना के हम लोग नर्मदा टेम्पल विजिट करने के लिए गए थे। देखिए कितना प्यारा व्यू है, पानी बहुत ज़्यादा साफ है। तो नर्मदा टेम्पल पहुँचने वाले हैं हम लोग और ये पहुँच गए हैं। इतने छोटे से बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, छोटे 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 से। तो ये सारे छोटे छोटे टेंपल्स बने हुए थे यहाँ पर। और ये भी नर्मदा का ही उद्गम स्थल है, जो नदी का पानी है तो यहाँ तक आता है।
यहाँ श्री राम कृष्ण भगवान और अधिकतर महादेव जी का वो मंदिर है। यहाँ पर छोटे 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 टेम्पल्स बने हुए हैं, मोस्टली वही है, शिवलिंग है यहाँ पर और शंकर जी के मंदिर है। ये राम जानकी मंदिर है, आप देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ उसके अंदर दिखाने की, इफ अलाउड हो तो। हाँ दिखा सकते हैं, मैं सब किसी मंदिर के अंदर तो नहीं गया, बट आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ जो भी व्यू है। मैं आया था करीब 10 साल पहले, तो बताते हैं कि ये सब इतना डेवलप नहीं था, अब ये हाल ही में बना हुआ है बोलते हैं। ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर था यहाँ पर, और पानी काफी साफ है। एक चीज अच्छा था यहाँ पर कि आपको सिर्फ मास्क पहनने के बाद ही अलाउ कर रहे थे, तो एक दूसरे से हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और प्लस अपना अपने आप को सिक्योर करते हुए यहाँ घूमने आए हुए थे। ये कोई देवी जी है, दुर्गा माता का है, ये भी उनकी प्रतिमा है। तो यहाँ एक छोटा सा बंदर बेचारा पानी पी रहा है। देखिए और ये शिवलिंग बना हुआ है। ऐसा बताते हैं कि इससे पहले इतना सारे मंदिर नहीं थे और ये रेलिंग वेलिंग तो लगा ही नहीं था, ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग से बने हुए हैं और ये सब लगे हुए हैं जो भी दिख रहा है आपको। काफ़ी भीड़ था वैसे तो, उधर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट इतने दूर आए हैं तो चले गए थे देखने के लिए, विजिट करने के लिए। बाकी व्यू तो मतलब यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए पूरे वाइट 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 कलर में पोते हुए हैं। यहाँ साइड में भी कोई मंदिर है, शिवलिंग ही है यहाँ भी। हाँ ये सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ, बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर एक गाय की प्रतिमा है, हाथी की प्रतिमा है सॉरी, जिसमें ऐसी मान्यता है कि अगर आपने कोई पाप नहीं किया तो आप इसके अंदर से क्रॉस कर लोगे, और अगर आपके मन में खोट है तो आप अटक जाओगे या क्रॉस नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलते हैं। बट ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो हाथी है काफ़ी पुराना है मुझे पता है, तो हम वहाँ से निकल गए थे अब अपने घर के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और भी वीडियोस देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं हमारे राइट साइड पे, ये सब कुछ नहीं था बोलते हैं, जो हमारे माँ बाप मतलब 10 साल करीब हो चुके हैं जब हम लगाए थे तब, ये उससे पहले की बात है, तब ये सब बना नहीं हुआ था। अब फिर तो मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।